फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं वाईफाई को हम कैसे पेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका वाईफाई ऑन है तो ऑन ही रहने दें, अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वाईफाई के नेम नज़र आ जाएंगे। आपको इसमें से अपना वाईफाई चूज़ करना है। जैसे कि मेरा है मुकेश 5G, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आप भी इस तरीके से क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांग रहा है, तो जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड है वो आप पासवर्ड डाल देंगे, जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ, इस तरीके से डाला है। और अगर आपको लगता है कि वाईफाई का पासवर्ड कुछ गलत हो गया या फिर कुछ मिस हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आइस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका पासवर्ड जो है शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं, शो हो गया है। शो होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पासवर्ड सही है तो राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आपका ये पेयर हो जाएगा, यानी कि कनेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पेयर हो चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।